नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज मटर छीलने का आसान तरीका बताऊंगी मैं। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम मटर को छीलते हैं तो इस तरह से एक एक करके छीलते हैं, तो इसमें काफी समय लग जाता है। इस तरह से एक एक मटर छीलेंगे तो काफी समय लग जाता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ किस तरह से फास्ट मटर छीले जाए। ये मैंने पानी में बॉईल आ गया है, जब पानी गर्म हो जाए तब मटर डाल दे। और इन्हें पानी में डुबो दे और अब इन्हें हम सीजने देंगे। इनके छिलके जब नरम हो जाएंगे तब तक इन्हें हमें सीजना है। इन्हें मैं ढक दूंगी, इससे कि फटाफट सीज जाएंगे। 5 मिनट करीबन हो गए हैं, अब चेक कर लेते हैं। मैंने गैस खुल कर ही पकाया है। अब इस तरह से देख ले, इसका छिलका नरम हो गया। देखिए, अब गैस बंद कर देंगे और अब गर्म पानी निकाल लेंगे। ये मैंने गर्म पानी निकाल लिया, अब इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे। जब भी हमें ज्यादा मटर स्टोर करने होते हैं तो इस तरह से छीलने में ज्यादा समय लगेगा भी नहीं और फिर बाद में उबालने की भी आवश्यकता नहीं है। और जब भी हम सब्जी बनाएं तो अभी इन्हें उबालने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं बताती हूँ अभी इसे, अभी इस तरह से मसल ले। देखिए, आराम से निकल रहे हैं। इस तरह से मसल ले सभी को। देखिए, अभी तक तो मसलना ही पड़ेगा। इस तरह से दबाते हुए इन्हें सबको मसल लेंगे, फिर इनके छिलके अलग हो जाएंगे, इन्हें निकाल लेंगे। और जब भी हमें मटर की सब्जी बनानी हो तो इन्हें पकाए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पक चुके हैं। इस तरह से मसल लेंगे सभी को। देखिए, आराम से मसल रहे हैं। ये सभी मैंने मसल के तैयार कर लिए, अब इनके छिलके निकाल लेंगे। देखिए, जो नहीं छिला उसे वापस छील ले। देखिए, ये सभी मटर छिलके तैयार हो गए हैं, अब इन्हें हम छान लेंगे। अब इन्हें हम कोई भी एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रीजर में रख दीजिए और जब भी निकाले तो इन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं है, बस ग्रेवी बनाए और इन्हें डाल दे तो ये बनके जल्दी से तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी मटर छीलिए। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।